तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी उड़ान एंड द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19th ऑफ मई। तो आज हम लोग 19 मई का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं आज फ्रंट पेज पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे और भी सारे न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। सो मायसेल्फ निहित किशोर एंड लेट अस बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर एक्ट न्यूज़ में था, बेसिकली हाईकोर्ट, अभी कॉन्टेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में था। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हो ये दिल्ली है और इसको रोक के द्वारा ये हमारे LG हैं दिल्ली के और ये चीफ मिनिस्टर है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आखिर ये एक्ट क्या है, इस एक्ट का सिंपली मतलब हम लोग के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये एक्ट और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें तो इसका कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने वो बेसिकली सेंटर से पूछा है, एक प्ली उनके पास आया हुआ है किस चीज़ के लिए, जो पर्टिकुलर एक्ट जिसका हमने अभी नाम देखा, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, जो 2021 का एक्ट है, इसको खारिज करने के लिए, इसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए हमारे पास एक प्ली आया है। तो हाईकोर्ट ने सेंटर से उस पर क्या मांगा है, उस पर जवाब मांगा है, आप अपनी बात इस पर रखिए। ठीक है, क्योंकि एक्ट जो है वो कौन लेकर आया है, सेंटर लेकर आया है। ठीक है, अब बेसिकली एक्ट करता क्या है, क्यों ये एक्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बिकॉज ये एक्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के उनके पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है विज अ विज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के जो CM है उनकी पावर जो है उसको ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, कर्टेल करके और LG की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर डिटेल में बात करें इस पिटीशन की, तो द पिटीशन हैज आर्ग्यूड दैट द एक्ट वुड लीड टू कंफ्यूजन। एक्ट से क्या होगा, एक्ट से कंफ्यूजन होगा रेसिडेंट्स के बीच में दिल्ली के, कि उनको लिए उनके बिहाफ में डिसीजंस जो हैं वो कौन लेगा कैपिटल के अंदर, कि दिल्ली में जो डिसीजंस अब लिए जाएंगे वो कौन लेगा, LG लेगा या CM लेगा, हमने CM को वोट करा है, तो उनके लिए क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है। साथ साथ इट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट वेस्टिंग ऑफ दीज पावर्स इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर वुड नॉट बी इन हार्मनी विद द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर होता है और उसका जो मंत्रिमंडल होता है, और अगर आप इसकी बात करें सेंटर पे तो प्राइम मिनिस्टर और उसका जो मंत्रिमंडल है, ये जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं, रियल अथॉरिटी होते हैं, और जो नॉमिनल हेड होगा वो जैसे सेंटर के में प्रेसिडेंट होता है और स्टेट्स और यूटीज में कौन होता है, जैसे स्टेट्स में गवर्नर और यूटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो रिपब्लिकन फॉर्म के अगेंस्ट जा सकता है ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट है जो कि LG को बहुत ज्यादा पावर्स दे रहा है। साथ साथ दे हैव ऑल्सो आर्ग्यूड दैट कि LG ऑलरेडी हैड ओवरराइडिंग पावर्स, किस मामले में, लैंड पुलिस एंड सर्विसेज, एंड बाय द लेटेस्ट अमेंडमेंट इट इज नॉट गोइंग टू हैव अथॉरिटी ओवर ऑल लेजिस्लेशन पास बाय दिल्ली असेंबली। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलरली इलेक्टेड दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके हर डिसीजन के ऊपर ओवरराइडिंग पावर किसको दे दिया जा रहा है, LG को इस एक्ट के थ्रू। तो ये सारा तीनों जो है वो प्ली में जो है क्या किया गया है, चैलेंज किया गया है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है कि आप बताइए क्यों हम लोग इस पर्टिकुलर एक्ट को क्या ना करें, खारिज ना करें। अब हम इस टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे, मतलब इस टॉपिक से हमारा जो मेंस का क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड बन सकता है वो ये बनेगा कि विद दिस पर्टिकुलर एक्ट द सेंटर हैज असर्ब द दिल्ली गवर्नमेंट पावर्स क्रिटिकली एग्जामिन। आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है कि इस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 से सेंटर ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट के पावर्स को बहुत ही कम कर दिया। क्रिटिकली एग्जामिन करिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो हम लोग फिर अब डिस्कशन में वो सारी चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करें। बट उससे पहले हमें क्या देखना है, उससे पहले हमें देखना है कि आखिर ये इस इशू का बैकग्राउंड क्या है। ओके, तो बेसिकली 1991 तक का तो कोई इशू नहीं था, 1991 के बाद क्या हुआ, 1991 में एक अमेंडमेंट हम लेकर आए, दैट वॉज 69th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया हमने, इस अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली को फुल्ली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात कही गई। अब दिल्ली जो UT है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी एक इलेक्शंस होंगे और उसका भी एक अपना विधानसभा होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसे स्टेट्स में इलेक्ट होते हैं वैसे दिल्ली में भी इलेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ इट कन्फर्ड द यूटी ऑफ दिल्ली विद अ स्पेशल स्टेटस एंड रीडेजिग्नेटेड इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड डेजिग्नेटेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटर एज
लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऊपर, जिनको पावर्स दिए जा रहे हैं, वो उनको एडमिनिस्ट्रेटर जो था, क्योंकि यूटीज में जनरली उनको नाम देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, बट अब यूटी इनका लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको नाम क्या दे दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यूटी दिल्ली वॉज कंसिडर्ड एज अ स्पेशल केस एंड गिवन अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्योंकि दिल्ली को हमने क्या कंसिडर किया, एक स्पेशल केस, भले ही वो यूटी था तब भी, और हमने इसीलिए उसको एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया पार्लियामेंट के द्वारा। अब यही एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो था, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ फुल्ली इलेक्टेड असेंबली। यहाँ पे पॉपुलर इलेक्शंस होंगे, जैसे इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स में उसी तरह इलेक्शंस भी होंगे, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली के होंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली जस्ट लाइक इन अदर स्टेट्स। बाकी स्टेट्स में भी क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह दिल्ली के भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ऑल्सो इट ऑल्सो कन्फर्ड ऑन द असेंबली द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स। तो इनको जितना स्टेट के पास पावर होता है वो सारे पावर्स इनको दे दिए गए कि आप स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे काम कर सकते हो, कंकरेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे काम कर सकते हो। बस दो तीन एक्सेप्शन है इसके, देर आर थ्री एक्सेप्शन, और वो तीन एक्सेप्शन में क्या है, उन तीन एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो पहला एक्सेप्शन जो है वो है लैंड, दूसरा है पुलिस, और तीसरा है पब्लिक ऑर्डर। ये तीनों जो डोमेन है नॉर्मली जो फुल फ्लेज्ड स्टेट्स होते हैं उनके अंदर आता है, लेकिन दिल्ली के केस में ये तीनों पावर जो है वो उनको ना देकर किनको दे दिया गया है, सेंटर को। तो लैंड से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो कानून बनाना होगा, जो कंट्रोल है, वो कौन देखता है दिल्ली में, सेंटर देखता है। ठीक है, तो बस इन तीन चीजों के अलावा बाकी सारे उनके पास जो पावर्स हैं लेजिस्लेशन का, वो एक स्टेट की तरह ही है। बट एक एक्सेप्शन और माना जाता है जो कि यूटीज के केस में देखा जाता है जनरली, दैट इज कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर ले आती है, ठीक है, और पार्लियामेंट कोई कानून लेकर आ रही है, देन इट विल प्रिवेल ओवर, इसके ऊपर प्रिवेल करेगा जो यूटी का कानून है। ये नॉर्मल यूटीज का लेकर ये होता है, यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये प्रोविजन ऑलरेडी है, तो ये दिल्ली पे भी अप्लाई। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो ब्रॉट इन अ प्रोविजन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूटीज एक्ट 1963, नेमली दैट इन केस ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द एलजी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एनी मैटर, इट शैल बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट बाई एलजी फॉर हिज हर डिसीजन, एंड पेंडिंग सच डिसीजन द एलजी कैन टेक एनी एक्शन ऑन द मैटर एज ही सी डीम्स अप्रोप्रिएट। कहने का मतलब है कि एक प्रोविजन ऐड किया गया था 1963 का, कंटिन्यू कर दिया गया इस अमेंडमेंट एक्ट में, कि अगर क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा किसके बीच में, एलजी के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, मतलब केजरीवाल के बीच में और जो एलजी है हमारे उनके बीच में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो एलजी क्या कर सकता है उस मैटर को, प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। ठीक, प्रेसिडेंट का डिसीजन फिर फाइनल होगा, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट इस पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं तब तक एलजी कोई भी एक्शन ले सकता है उस मैटर पे जो उसको ठीक लगता है। लेकिन जुलाई 2018 में क्या हुआ, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब क्या होता है कि मिनिमम 5 जजेस होंगे कम से कम या उससे ज्यादा। उसने ये हेल्ड किया था कि जो गवर्नमेंट है उसको दे नीड नॉट सीक द कंकरेंस ऑफ एलजी, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है वो एलजी के कंकरेंस के लिए हमेशा पूछा नहीं जाएगा, एंड दैट एनी डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी रिजॉल्व्ड कीपिंग इन व्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीमेसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कहने का मतलब कि जो भी डिफरेंस है उसको सॉल्व करने का जो तरीका अपनाया जाएगा उस केस में, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आई है दिल्ली में, जैसे कि अभी हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, इसको प्राइमेसी देंगे। ठीक है, और किसको प्राइमेसी देंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, कि दोनों के बीच में समन्वय बना रहना चाहिए, स्टेट यानी यूटी और सेंटर के बीच में। एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट फ्रॉम एलजीज पावर टू डिफर विद द गवर्नमेंट ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया जुलाई 2018 में, जो हमने भी ऊपर देखा, उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है, जिसको लोगों ने वोट दिया था, उसको प्रीमेसी देना है। और साथ साथ इसमें यह लिखा हुआ था कि द वर्डिक्ट सेड ऑल्सो दैट द एलजी वॉज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो एलजी है वो जब भी सीएम और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगा उससे वो क्या होगा, बाध्य होगा, उससे वो बाउंड होगा। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एडेड दैट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एलजी
और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जो एलजी है इट कैन नॉट रेफर अ मैटर मैकेनिकली और माइंडलेसली एंड हैज टू मेक ऑल अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस विद इन द फ्रेमवर्क। कहने का मतलब कि हमने जो एक प्रोविजन दे दिया था कि क्या कर सकते हैं डिफरेंस के केस में, एलजी प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, बट ये चीज जो ये पावर है एलजी मैकेनिकली या माइंडलेसली बिना दिमाग अप्लाई किए एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मतलब एलजी पहले क्या कोशिश करेगा, इट विल मेक ऑल अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस जब सॉल्व करने का कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाएगा तभी वो प्रेसिडेंट को रेफर करेगा। ठीक है, अब इसी जजमेंट के कारण प्रॉब्लम क्या हुई, इस जजमेंट के इनसे द्वारा इनकरेज होकर स्टेट गवर्नमेंट जो दिल्ली की है उसने क्या किया, दे स्टॉप्ड सेंडिंग फाइल्स ऑन एग्जीक्यूटिव मैटर्स टू द एलजी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव मैटर के जो फाइल्स हुआ करते थे वो भी पहले जाते थे एलजी के पास, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट करने से पहले एलजी को भेजना छोड़ दिया। ठीक है, इट हैड बीन कीपिंग द एलजी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स बट नॉट नेसेसरली बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूटिंग एनी डिसीजन। कहने का मतलब कि बताते भी थे अगर एलजी को तो वो आफ्टर एग्जीक्यूशन, दैट मीन्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, अगर एलजी को वो इन्फॉर्मेशन दे भी रहे थे तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद देते थे, पहले जरूरी नहीं है कि दे। ठीक है, और यही बैकड्रॉप है कि ये नए अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट लेकर आई है। ठीक है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू बाईपास एलजी जस्ट ऑन द बैकिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स 2018 जुलाई जजमेंट। ठीक है, तो इसीलिए अमेंडमेंट्स लेकर आया गया। अब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट का क्या प्रोविजन है वो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखते हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट का मतलब होगा तो उस गवर्नमेंट में इन्होंने किसको इंक्लूड कर दिया, एलजी को। The term government mentioned in any law enacted by Legislative Assembly of Delhi shall mean the LG. मतलब कि अब government का मतलब दिल्ली के केस में कौन होगा, Lieutenant Governor. So this act defines government as LG. पहला चीज। दूसरा, ये act क्या कर रहा है, LG को discretionary power दे रहा है. Even in matters where the Legislative Assembly is empowered to make laws. कहने का मतलब अभी तक हमने देखा था कि LG के पास जो discretionary power थे वो तीन cases में थे, that is in पब्लिक ऑर्डर, पुलिस जो भी हमने ऊपर देखा, तीसरा लैंड। बट अब बाकी सारे पावर जिसमें कि पूरी कंपिटेंट है हमारी यूटी दिल्ली की, उस केसेस में भी, उन केसेस में भी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो किसको दे दिए जा रहे हैं, एलजी को, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उसके बाद जो एक और प्रॉब्लमेटिक इशू है वो क्या है, कि सेक्शन 44 में एक एडिशनल क्लॉज भी ऐड किया गया जो कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के लिए कि उनको एलजी का ओपिनियन लेना है हर मैटर में, ऑन ऑल मैटर्स। तो देखो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक, ऑन ऑल मैटर्स बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी टेकन। मतलब इम्प्लीमेंटेशन से पहले किसी भी मैटर पे, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन से पहले उनको इसकी परमिशन लेनी होगी, ओपिनियन लेनी होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। This means that the state government or cabinet would need to seek the LG's opinion before implementing any decision. कोई भी decision को implement करना होगा तो उससे पहले किसके पूछना होगा, LG से। Also, the amendment also says that the legislative assembly shall not make any rule to enable itself to consider the matters of day-to-day administration of the capital or conduct inquiries in relation to the administrative decisions. कहने का मतलब कि जो power अभी LG को ये दे दिया गया कि हर चीज के लिए पूछना है, तो इवन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई ऐसा रूल नहीं बनाएगा जो इस पर्टिकुलर प्रोविजन को चेंज करने की बात कहे, जिसमें कि गवर्नमेंट को क्या दे दिया जाए, गवर्नमेंट को ये राइट दे दिया जाए कि वो अपने आप को इनेबल कर दे जितने भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन या कैपिटल का जो काम है वो खुद से ले सके। ठीक है, तो ये भी रोक लगा दिया किसके ऊपर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर। तो ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है किसके, इस अमेंडमेंट एक्ट के। अब ऐसे अमेंडमेंट की एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कह रही है कि दैट अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सेक्शन 44 जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा वो कैसे सॉल्व होगा, तो उसमें क्या है कि देयर इज नो क्लैरिटी ऑन व्हाट मैटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू एलजी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्लैरिटी नहीं दी गई है कि किन मैटर्स को एलजी के पास भेजना है। ठीक है, ये क्लैरिटी कहाँ नहीं है, अमेंडमेंट एक्ट जो 1991 का था उसमें ही नहीं है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो इस 1991 एक्ट में ये क्लैरिटी नहीं दी गई थी, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, ये इन लोगों ने हर एक्टिविटी, हर मैटर को इंक्लूड कर दिया।
जब क्लैरिटी ही नहीं है तो इसका मिस यूज हो, इससे बढ़िया है कि हम लोग क्या करें, सारे मैटर के लिए क्या कर दें, एलजी की जो ओपिनियन है उसको कंपलसरी कर दिया जाए, ठीक। और दूसरा, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये अमेंडमेंट लाया गया था किसको, जो जुलाई में केस हुआ था, जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस जो हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दिस इज आयरनी, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट ही है ये। तो कैसे आप कह सकते हो इनको कि आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हो। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट जो है वो सेंटर ने दिए हैं इस लॉ के पीछे, बट इट इज टोटली नॉट जस्टिफाइड। कंसर्न्स की बात करें इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड, जो कंसर्न्स हैं अपोजिशन पार्टी और जो पार्टी अभी पावर में है यानी कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इस एक्ट को बाई कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम है, उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है कि जो अमेंडमेंट्स हैं दे आर गोइंग टू रिड्यूस द पावर ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, जिसको इतने ज़्यादा सीट्स मिले हैं, उनके खिलाफ उनके पावर्स को क्या किया जा रहा है, जबरदस्ती कम करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ अगर ऐसा होगा कि जब गवर्नमेंट का मतलब एलजी होगा, एलजी से हर कुछ पूछना पड़ेगा कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले, देन इट वुड मेक द पोजिशन ऑफ द सीएम ऑफ दिल्ली एज मीनिंगलेस। कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी फिर सीएम जो है दिल्ली के, उनकी पोजिशन की, ठीक है। तो अब और अल्टीमेटली ये किस चीज को थ्रेटन करेगा, हमारे फेडरल कैरेक्टर को। मतलब स्टेट्स के जो पावर्स हैं वो अगर कर्टेल हो रहे हैं किसी कंट्री में, दैट मीन्स इट इज चैलेंजिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। उसके बाद द एक्ट ऑल्सो सेज दैट द दिल्ली असेंबली शैल नॉट मेक रूल्स टू इनेबल इटसेल्फ फॉर इट्स कमिटी टू कंसिडर मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इवन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर जो है वो इनसे छीना जा रहा है, ठीक है। अगेन वन ऑफ द अमेंडमेंट जो कि क्या बोल रहा है कि एलजी का ओपिनियन लेना पड़ेगा किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो क्विक डिसीजन है, अगर जैसे हम बात करें अभी कोविड के टाइम पे, अब आपको लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम है किसी भी गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि वो हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले जाके किससे बात करे, एलजी से पूछे। तो क्विक डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। और साथ साथ कोई टाइम फ्रेम भी नहीं सेट किया गया इस एक्ट के अंदर कि एलजी इतने दिन के अंदर या इतने समय के अंदर ओपिनियन अपना देगा। तो ये भी एक इशू है कि आपने तो कोई टाइम फ्रेम ही नहीं दिया कि कितने दिन के अंदर जो है मैक्सिमम क्या करेगा एलजी जो है वो अपना ओपिनियन शेयर करेगा। मतलब कि डिसीजन जो है वो डिलेड होंगे। तो ये सारे कंसर्न है हमारे पर्टिकुलर इस एक्ट के, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी हमें देखना है, चूंकि ये मैटर क्या है, कोर्ट में सब जुडिस है, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और सेंटर का क्या रिस्पॉन्स इस पे आता है हम लोग को वेट करके देखना होगा। बट फिलहाल के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। तो मणिपुर स्क्राइब एक्टिविस्ट बुक्ड अंडर एनएसए। तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, कौन बुक हुआ है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दिस एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हो कि पुलिस जो है उसने किसको बुक किया है, एक जर्नलिस्ट है किशोर चंद्र रंगखेम एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एक्टिविस्ट एरेंड्रो टेचुम्बम, इसके अंदर अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे कुछ ऐसा किया था जो कि कॉन्ट्रोवर्सियल था, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम लोग के लिए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर बैठेगा, जनरल स्टडीज के पेपर 2 में, पॉलिटी में, और इवन GS 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में भी। एनएसए इज एन एक्ट दैट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन इफ द अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड दैट ही सी इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, या फिर पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट करने से उसको रोकने के लिए, मियर ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन अ पर्सन कैन बी अरेस्ट, ठीक है। तो सस्पिशन के ग्राउंड पे भी आपको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है इसके अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। तो ये वन ऑफ द कौन सा लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हमारा आर्टिकल 22 में दिया हुआ है, तो ये उसमें जो बहुत सारे एक्ट्स हैं उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी है। एंड दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम हर फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैटर विच इज प्रीजुडिशियल टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऑल्सो द रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरन कंट्रीज, द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। इन सारे ग्राउंड्स पे किसी को भी रोकने के लिए उस पर्सन को इस एक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम लोग डिटेन कर सकते। ऑल्सो
किसी फॉरेनर को भी हम लोग डिटेन कर सकते हैं. दिस एक्ट ऑल्सो गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट्स टू डिटेन अ फॉरेनर इन व्यू टू रेगुलेट हिज हर प्रेजेंस और एक्सपेल फ्रॉम द कंट्री. तो सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, फॉरेनर को भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं डिटेन. एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जानना जरूरी है कि एक इंसान जो इसके अंदर अरेस्ट होगा या डिटेन होगा, ही कैन बी डिटेन फॉर अप टू 12 मंथ्स. मतलब 12 महीने तक बिना कोई चार्ज बताए हुए डिटेन किया जा सकता है. ठीक है, तो जो नॉर्मल लॉज में आप अरेस्ट होते हो तो आपको पता है कि 24 आवर्स में आपको ग्राउंड आपको क्या करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है. ठीक है, और जब तक वो फर्दर डिटेंशन ऑर्डर नहीं करेगा तब तक आपको रिहा कर दिया जाएगा. बट इसमें 12 महीना तक बिना चार्जशीट फाइल किए भी आपको डिटेन किया जा सकता है. एंड ऑल्सो द डिटेन पर्सन इज नॉट इंटाइटल टू एनी लीगल एड. कोई लीगल एड भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जस्ट ऑन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है, तो ये है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. अभी जो इससे रिलेटेड आपका टास्क है, जो हमारा टास्क है आपको जो कंप्लीट करना है घर पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. मतलब कि लिमिटेशंस क्या क्या है इसके, या क्रिटिसिज्म बात कर सकते हैं इसके, और एडवांटेज क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट. ये दोनों क्या आपको टेबल एक बनाना है और उसमें 5-5, 6-6 पॉइंट्स लिखने हैं दोनों साइड से. ठीक है, ये आपका टास्क है. अगले न्यूज की बात करें अगर, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ ₹695 करोड़ सोल्ड ड्यूरिंग द रिसेंट इलेक्शन. जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे असेंबली के बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु वगैरह, पुडुचेरी में, तो उसमें रिकॉर्ड 695 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके. इस पार्टी को कितने मिले वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या. ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डालेंगे तो GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, ठीक है, उसमें आएगा ये इलेक्शंस में. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक RTI की रिप्लाई में ये बोला गया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है 695 करोड़ रुपए तक की वैल्यू के इस इलेक्शंस में बिके हैं, और ये अमाउंट जो है वो असेंबली इलेक्शंस में यूज होने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट है. जब से ये स्कीम लागू हुआ है 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लागू हुआ है, तब से ये सबसे ज्यादा अमाउंट अभी तक का किसी भी असेंबली इलेक्शन में है. नाउ दिस स्कीम के बारे में बात करें तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज. तो इसमें मैकेनिज्म क्या है, अभी हम लोग समझेंगे इसको. इसमें होता क्या है कि आप SBI में जाओगे, सिर्फ SBI इज अलाउड टू इशू एंड इन कैश दीज बॉन्ड्स. ओके, और जो ये बॉन्ड्स हैं ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं विथ नो मैक्सिमम लिमिट. कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं सेट किया गया है, बट मिनिमम लिमिट है 1,000. सपोज आप गए SBI में, आपने 10,000 का एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, और आप क्या करोगे, आप बस बता दोगे कि आप किस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को के लिए ये बॉन्ड इशू करना चाहते हैं. ठीक है, और आपने अपना कोई आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, बस आप क्या करोगे, आपने वो बॉन्ड खरीद लिया, अब वो बॉन्ड जमा हो गया SBI के पास, वो जो सिक्योरिटी अमाउंट है उस बॉन्ड का, दैट इज 10,000. ठीक, अब जितने बॉन्ड इनकैश करना होगा जब BJP चाहेगी तो उस बॉन्ड को इनकैश कराएगी, ठीक है, और उनके अकाउंट में BJP के पास 10,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाए. यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. मतलब आप बैंक गए, बैंक में आपने एक बॉन्ड खरीदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, बेसिकली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका आपने बॉन्ड खरीदा, BJP सपोज एग्जांपल, तो आप जाके 10,000 का एक बॉन्ड खरीदे, आपने 10,000 रुपये बैंक को दे दिए, आपको बदले में एक बॉन्ड मिला. ठीक, अब उस बॉन्ड को जो है वो कौन इनकैश करवा सकता है, उस बॉन्ड को इनकैश कर सकती है BJP बैंक में. तो दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, तो बॉन्ड्स क्या है वो अवेलेबल है परचेज के लिए किसके द्वारा, कौन एलिजिबल होगा इसको खरीदने के लिए, कोई भी इंसान, या तो सिटीजन हो या फिर इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. इनकॉर्पोरेटेड मतलब इवन कंपनी भी खरीद सकती. ठीक है, कब मिलेगा ये, तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों के लिए ये विंडो खुलता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई और टाइम स्पेसिफाई करेगी तो उस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलेंगे. अ पर्सन कैन बाय अ बॉन्ड इंडिविजुअली एज वेल एज ज्वाइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स. ठीक है, और डोनर का नाम बॉन्ड में मेंशन नहीं होता. वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, किसने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए, लगाए हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, दैट इज नॉट डिस्क्लोज्ड.
ये डिस्क्लोज नहीं हो पाता है कि कौन कितना पैसा दे रहा है और पैसे जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। डेफिनेटली ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आया था, ठीक है, कि जो फंडिंग है जो भी है वो क्या हो, चैनलाइज्ड हो, दैट मीन्स कि बैंकिंग के थ्रू चैनलाइज्ड हो जाए, इसीलिए ये स्कीम लेकर हम लोग आए थे। बट इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म हैं, ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, ठीक। और यही आपका टास्क है जो कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट जब करोगे, देखो यूपीएससी में ऑलरेडी 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, द इलेक्शन कमीशन हैज प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। व्हाट आर द सजेस्टेड रिफॉर्म्स एंड हाउ फार दे आर सिग्निफिकेंट टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो रिफॉर्म सजेस्ट किया गया था वो भी आपको मेंशन करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एक एज अ मिरर मैंने दिखाने के लिए इंक्लूड किया है कि किस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है, क्रिटिकली इवेल्युएट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल सिस्टम। तो क्रिटिकली इवेल्युएट जब करना है तो हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों मेंशन करेंगे, देन वी विल कंक्लूड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, और इसी को अटेम्प्ट करते हुए आपको क्या लिखना है, आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी मेंशन करना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर आते हैं तो ये आर्टिकल आप देखोगे कि कोर्ट डिनाइज एंटीसिपेटरी बेल टू ओलंपिक मेडलिस्ट। तो ओलंपिक मेडलिस्ट जो हमारे सुशील कुमार है उनके ऊपर मर्डर का केस जो है वो चल रहा है और ये अभी क्या कहते हैं इसको फरार है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या फाइल किया था, एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था, ठीक है, दिल्ली कोर्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था कोई। तो एंटीसिपेटरी बेल इसका रिजेक्ट हो गया है। अब आपको एग्जामिनेशन के लिए जानना जरूरी क्या है वो हमें बात करते हैं। हमें बस एग्जामिनेशन के लिए जानना जरूरी है कि एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो क्या है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं जानना है, ये किस केस में फंसे हैं, क्या हुआ है, वो सब कुछ नहीं। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर इंडिया की बात करें तो सेक्शन 438 जो है इसका, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का, वो एक एंटीसिपेटरी बेल की प्रोविजन की बात करता है। एंटीसिपेटरी बेल में होता क्या है, एंटीसिपेटरी बेल में अगर आपको मालूम है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, दैट मीन्स कि बिफोर अरेस्ट यू कैन क्लेम एन एंटीसिपेटरी बेल, और अगर ये आपको इशू कर दिया जाएगा तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट क्या ना करे, दोबारा आपके अरेस्ट का ऑर्डर नहीं दे दे। एंटीसिपेटरी बेल जो है उसको उसका मतलब है ये है कि आपको सस्पिशन है कि आप हो सकते हो, आप अरेस्ट हो जाओ, तो आप पहले ही कोर्ट में क्या फाइल कर देते हो, एंटीसिपेटरी बेल, और जब ये आपको इशू हो जाएगा देन नो वन कैन अरेस्ट यू अंटिल कोर्ट सजेस्ट अदरवाइज। कोर्ट जब बोलेगा, कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तभी ये क्या होगा, एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट आप हो सकते हो आफ्टर गेटिंग एंटीसिपेटरी बेल, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, हम लोग के लिए कह सकते हैं एक प्रिवेंटिव मेजर होता है कि अगर आपको सस्पिशन, आपको लगता है कि आप अरेस्ट हो सकते हो किसी केस में, तो आप लोग पहले ही क्या कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, सेक्शन 438 CRPC में मेंशन है एंटीसिपेटरी बेल, ठीक। और लॉ कमीशन ने अपने 41st रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि प्रोसीजर कोड जो है ये, इसमें आप ये प्रोविजन इंक्लूड करो, ठीक है। अब लॉ कमीशन की बात यहाँ आ गई तो आपका अगला टास्क क्या है कि लॉ कमीशन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है, आपका अगला टास्क। नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया पॉइंट्स टू अ लूमिंग क्राइसिस। तो इस पर्टिकुलर डेटा में क्या दिया हुआ है कि वैक्सीनेशन को लेकर इन लोग, ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एक सस्पिशन और क्या कह सकते हैं उसको, एक डर दिखाया जा रहा है कि आखिर जो वैक्सीनेशन का रूरल इंडिया में जो गाँव में वैक्सीनेशन का लेवल है और वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो बहुत, ठीक है, तो ओनली अबाउट 15% हैव बीन इम्यूनाइज्ड आउटसाइड अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के बाहर सिर्फ 15% लोग अभी क्या हुए हैं, इम्यून हुए हैं, ठीक है। वाइल मोर देन 60% ऑफ द केसेज वेयर फ्रॉम रूरल एंड सेमी रूरल डिस्ट्रिक्ट, ओनली एन एस्टिमेटेड ऑफ 12-15% हैड रिसीव्ड एटलीस्ट वन डोज। अभी दो डोज की भी बात नहीं है, सिर्फ वन डोज की हम बात कर रहे हैं। तो ये डेटा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो हमारा सेकेंड फेज है दैट हैज बिन रूरल सेंट्रिक, रूरल इंडिया में ज़्यादा केस आ रहे हैं, और उस केस में भी अगर हमारे वैक्सीनेशन की ड्राइव रूरल एरिया में अगर बहुत स्लो है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन कोविड, ठीक है। तो आपसे ये मेन सा क्वेश्चन एक बन सकता है कि आखिर कोविड को कंटेन करने में क्या क्या चैलेंजेस है, उसमें एक चैलेंज हमारा क्या है, रूरल इंडिया। और इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल एडिटोरियल भी आज
न्यूज़पेपर में आया है, तो आप लोग उसको देख के भी आप समझ जाओगे कि क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो रूरल हमारा इंडिया है उसमें जो सेकेंड फेज है वो सेंट्रिक है, बट हमारे यहाँ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टेस्टिंग सेंटर नहीं है गाँव में, ये सब इशूज़ हैं। तो हम लोग के लिए एक टास्क क्या मिल गया, रूरल इंडिया में जो चैलेंजेस हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विथ रिस्पेक्ट टू COVID-19 क्रिटिकली एनालाइज, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, तो हम लोग इसको अच्छे से आर्ग्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था आज का लास्ट आर्टिकल। तो जितने भी टास्क मिले प्लीज उसको कवर कीजिए। PDF अगर आपको चाहिए होगा तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज भी चल रहे हैं, तो क्वेश्चन सीरीज क्विज वगैरह जो है वहाँ पे रोज अपलोड होते हैं, सारे PDF वहीं पे आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए।